अब है आपका नेक्स्ट वर्क इज मैथ्स। तो आपके लिए मैथ्स में आपकी मैम क्या लेके आई है? काउंटिंग 1 to 10। तो आज आपकी मैम 1 to 10 काउंटिंग कैसे लेके आई है? आज आपके लिए न्यू एक्टिविटी लेके आई है। आई होप सो आप इंजॉय करेंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर। आपको पहले इसमें 1 to 10 काउंट करके आपको जहाँ डॉट हैं 1 to 10 तक के आप उसको ज्वाइन करेंगे, आप उनको मिलाएंगे और साथ में आप उसके बाद में पिक्चर जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसमें कलर फिल करेंगे। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बच्चों आपको 1 से स्टार्ट करते हुए 2 तक जाना है, 2 से आप 3 में जाएंगे, 3 के बाद आप 4 में जाएंगे, 4 से 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये क्या रेडी हो गया? ये है पैरेट, पी फॉर पैरेट, पी फॉर पपाया। तो बच्चों आपको आज क्या करना है, आज आप इस पिक्चर को कंप्लीट करेंगे। अब हम करेंगे नोटबुक में। तो बच्चों ऐसे ही आपको इसको डॉट्स को ज्वाइन करना है और उसके बाद आपको इस पिक्चर में कलर फिल करना है। पहले हम करेंगे इस पिक्चर को कंप्लीट। 1 से जाएंगे 2 पर, 2 से जाएंगे 3 पर, 3 से जाएंगे 4 पर, फिर 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ये बन गया पैरेट। तो बच्चों आपको 1 से ही स्टार्ट करना है। आप 1 से स्टार्ट करते हुए 2 पर आएंगे, जैसे आप काउंटिंग लिखते हैं ऐसे ही आप डॉट को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों उसके बाद मैं आपको कलर भी फिल करना बताऊंगी, पहले हम इसका वर्क कर लेते हैं। 1, आपको 1 पेज पर ही 10 तक काउंटिंग लिखनी है। डॉट को पूरा टच करते हुए, बॉक्स को टच करते हुए आपको ये वर्क कंप्लीट करना है। 5, 6, 7, 8, 9 बैलून की शेप और 1, 0, 10। 0 आपको 9 के नीचे ही लिखना है। अभी भी कुछ पेरेंट्स गलत रॉन्ग वर्क कर रहे हैं, 9 के नीचे ही आप 0 लिखेंगे और आप यहाँ T के नीचे ब्लैंक रखेंगे और लास्ट में आप 1 लिखेंगे। अब मैं आपको पैरेट में कलर फिल करना बताऊंगी। तो बच्चों ऐसे ही आपको कलर फिल करना है पैरेट में, ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर एंड बीक में उसके रेड कलर फिल करेंगे, ट्री में आप ब्राउन कलर फिल करेंगे। तो बच्चों ये है आपकी न्यू एक्टिविटी 1 to 10। आपने कल कैसे किया था? आपने 2 डे पहले आपने ग्लासेस से काउंटिंग सीखी, उससे पहले आपने हैंड प्रिंट के साथ 1 to 10 काउंटिंग सीखी थी। मैं आपके लिए हमेशा ही डिफरेंट एक्टिविटी लेके आती हूँ, तो बच्चों आप हमेशा ही जब मैं आपके लिए डिफरेंट एक्टिविटी लेके आती हूँ तो प्लीज आप भी एक्टिविटी के थ्रू ही आप वर्क किया करो, आप ड्रॉ मत किया करो, आप उसको एक्टिविटी रेडी किया करो। और जो मैं कटआउट देती हूँ तो बच्चों आप उस कटआउट को जरूर रेडी किया करो, ये आपके लिए ही अच्छा है। ओके तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है। मैं एक बार फिर से इसकी आपको मैं काउंटिंग की एक बार राइम सुनाना चाहूंगी, उसके बाद हम बाय करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10। अब बच्चों आपकी 10 तक काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको राइम ये नेक्स्ट आगे भी 20 तक करवाना चाहूंगी, आप डेली इसको लर्न किया करो। 1, 1, 11, 1, 2, 12, 1, 3, 13, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 1, 5, 15, 1, 6, 16, 1, 6, 16, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 1, 9, 19, 2, 0, 20। तो बच्चों साथ साथ में आप 20 तक राइम भी बोला करेंगे, आप साथ में मुझे वीडियो भी सेंड किया करो। अगर मैं आपसे वीडियो सेंड मंगवाती हूँ तो आप वीडियो बनाया करो, अगर मैं फोटो के लिए बोलती हूँ तो आप फोटो प्लीज आप डेली मुझे भेजा करो, इससे आपके बच्चे का ही अच्छा है, इससे बच्चा आपका अच्छे से सीखेगा और मुझे भी पता चल जाएगा कि बच्चा कितना, उसको जो चीज नहीं समझ में आएगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, कल हम फिर से आएंगे। बाय बाय।